तो गाइज आप लोग थंबनेल और टाइटल तो देख के जान ही गए होंगे कि मतलब किस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग आज लेके आया हूँ। तो बिल्कुल न्यू ट्रिक है गाइज, वीडियो में पूरा बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग समझ जाएंगे। और बिल्कुल नया ऐप के बारे में है, पिक्सआर्ट नहीं है, ये दूसरा ऐप है, हाई ब्लर फोटो एडिट करके दिखाएंगे। उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके पहले हमें वहाँ से फॉलो कर लीजिए। तो चलिए गाइज बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हमें इस फोटो को अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना है। तो सिंपली गाइज हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले हमें लाइट को एडजस्ट कर लेना है, लाइट को एडजस्ट कर लेना है अच्छे से। उसके बाद से बैकग्राउंड को ब्लैक रखेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा ब्लैक बैकग्राउंड। पहले फेस को वाइट कर लेते हैं थोड़ा सा, और येलो कलर वाले के सैचुरेशन माइनस करेंगे बिल्कुल। उसके बाद से इसको कम रखते हैं एकदम, तो अभी आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है रिटच करने के बाद थोड़ा सा। इसके बाद से हमें ब्लू वाले को सिलेक्ट करके इसको भी माइनस रख लेना है सैचुरेशन को, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद से क्लियरिटी को इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ से क्लियरिटी को इंक्रीज कर देंगे, 100% रखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। विग्नेट को हल्का सा कम रखेंगे, टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो सिंपली गाइज इतना होने के बाद फ़ोटो को डन करना है और फ़ोटो को यहाँ से सेव कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों को हाई ब्लर करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले गाइज हमें अपने फ़ोटो को आफ्टर फोकस एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आसानी से, और प्ले स्टोर पर भी आसानी से मिल जाएगा, तो आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज इस ऐप में फ़ोटो को शेयर करने के बाद हमें फर्स्ट वाले टूल पे ही सेलेक्ट रखना है, जिस पे है उसी पे रखेंगे और अपने बॉडी पे ऐसे ऐसे कर लेंगे। उसके बाद से तीन नंबर वाला सेलेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद ऐसे बाहर ऐसे ब्लैक बना लेंगे। तो इतना होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, फिर से ऊपर वाले पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर कर लेंगे अपने हेयर को, हेयर को कलर कर लेंगे यहाँ से अच्छे से। बाहर लगेगा तो पूरा बैकग्राउंड ही हो जाएगा कलर, तो ध्यान से कीजिएगा आप लोग। तो हम लोग कर चुके हैं, तो हाई ब्लर फोटो करने वाले हैं, तो यहाँ से यहाँ भी थोड़ा सा छूटा है, तो इस पर भी हम लोग कर लेते हैं। इसको अच्छे से जूम करके आप लोग कर सकते हैं जैसे मतलब चाहें, और यहाँ पे भी थोड़ा सा बचा हुआ है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हुआ है नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे और ऐसे मार देंगे, ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड, लेकिन अच्छा होता है, इससे ब्लर बहुत ही अच्छा होता है। पिक आर्ट में करते हैं तो साइड साइड में थोड़ा थोड़ा इफेक्ट दिखने लगता है, तो इसमें वो मतलब दिक्कत नहीं है। तो सिंपली इतना होने के बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं ब्लर थोड़ा सा हुआ है, तो ब्लर पर क्लिक करेंगे नीचे और इसको 100% एकदम फुल रखेंगे, यहाँ से पूरा बढ़ा लेंगे, ब्लर हो गया बैकग्राउंड। उसके बाद से जो पीछे ब्रोकन का PNG हम लोग लगाते हैं, इसमें लगाने का भी ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक मतलब ये एप्लीकेशन नेचुरल टाइप का खुद ही बना देता है। तो इस पर क्लिक करेंगे, अपर्चर जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, ब्रोकन पर क्लिक करेंगे और इसको बढ़ा लेंगे। तो आप लोग बढ़ा के देखिए, जितना पे अच्छा लगे उतना पे आप लोग कर सकते हैं। तो इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, देखिए जितना पे आप लोग को अच्छा लगे। देखिए कितना ज़्यादा ब्रोकन आ गया बैकग्राउंड में, तो इतना ज़्यादा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कम ही रखेंगे। इतना पे अच्छा लग रहा है तो इसको इतना ही पे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो इतना होने के बाद फ़ोटो को यहीं से सेव कर लेंगे, अभी सेव नहीं करेंगे गाइस, इसको डन करते हैं। और इसके बाद ये वाले नीचे फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे, और जो फ़िल्टर मन करे, इसमें फ़िल्टर भी बहुत ज़्यादा दिया है, तो अभी देख सकते हैं पूरा बैकग्राउंड जैसे हो गया। तो मुझे कोई मतलब देखिए कितना ज़्यादा फ़िल्टर है, तो आप लोग को जो समझ में आए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे फ़िलहाल में फ़िल्टर का ज़रूरत नहीं है। तो नो पे क्लिक करते हैं और
इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे फोटो को। तो गाइज हाई ब्लर करने के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही मतलब अच्छा है, तो मैं तो बोलूँगा आप लोग इसी को यूज़ कीजिएगा, बहुत ही अच्छा मतलब ब्लर करता है, न्यू है बिल्कुल। तो एप्लीकेशन तो पुराना है लेकिन कोई यूज़ नहीं करता उतना, तो अभी देखें हम तो बना दिए उस पर वीडियो। तो चलिए गाइज इस फोटो को थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं ऑटोडेस्क में।